never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my... Kevin Hypo! तो दोस्तों, गोल्डन स्टैंडिंग बुद्ध स्टैचू से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे मेटा टेंपल के ओर, और रास्ते में हमें मिला महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, जो आप लोग राइट साइड में देख सकते हो। यह एक विशाल सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट लीडर सब आके रुकता है, और यहीं पे मीटिंग वगैरह और सांस्कृतिक प्रोग्राम ये सब चीज़ें होता है। बहुत ही विशाल और खूबसूरत बिल्डिंग था ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मेटा बुद्धाराम टेंपल। ये एक थाई टेंपल है जो बुद्धगया में स्थित है। इस टेंपल में स्टेनलेस स्टील और साथ में मिरर का बहुत सुंदर काम आपको देखने को मिलेगा, और फ्लोर में है वुडन और मोजाइक का काम। सामने आप लोग देख पा रहे हो सुंदर वाइट कलर का गौतम बुद्ध का एक मूर्ति, जो बहुत ही वाइट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पूरे टेंपल एक बहुत ही सुंदर वाइट वाइब देता है, एकदम क्लीन वाइट वाला वाइब देता है। देखिए फ्लोर पे मार्बल और वुडन का काम है, देखिए कितना सुंदर एक वाइटिश टेंपल है। इस थाई टेंपल में मेनली बैठ के मेडिटेट किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं बांग्लादेश का बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। इस टेंपल के अंदर भी आपको गौतम बुद्ध जी का बहुत सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग पहुंचे जय श्री महाबोधि विहार, जो कि एक श्रीलंकन टेंपल है। ये टेंपल भी बहुत सुंदर से सजाया गया है। अंदर आपको गौतम बुद्ध जी का मेडिटेट करते हुए बहुत ही खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगा। ऊपर तरफ आपको सुंदर लोटस देखने को मिलेगा, देखिए कितना सुंदर लोटस बना हुआ है, और मूर्ति को देखिए कितना सुंदर मूर्ति है। देखिए गोल्डन कलर का एक सुंदर घंटा, और इस जगह पे देखिए बच्चे भी खेल रहा है, जो छोटे छोटे मॉन्क होते हैं वो सब। लास्ट में हम लोग पहुँचे मेन मंदिर यानी कि महाबोधि टेंपल में, जो कि बोधगया का मेन मंदिर है। इस टेंपल में अंदर जाने के लिए बहुत ही टाइट सिक्योरिटी था, इसलिए वो लोगों ने मोबाइल फ़ोन को अलाउ नहीं किया, और मैं जितना सारा भी शूट कर रहा था सभी मोबाइल फ़ोन से कर रहा था। मेरे पास एक पुराना एक्शन कैमरा था, तो उसी से मुझे शूट करना पड़ा, तो क्वालिटी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा।
लेकिन ये जो महाबोधि मेन टेम्पल है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बहुत 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 पुराना टेम्पल है। मतलब आप लोग आँखों से देखेंगे तो आप लोग समझेंगे, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। इस महाबोधि टेम्पल को सम्राट अशोका ने 3rd century BC में बनवाया था और ये टेम्पल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मंदिर को ब्रिक्स यानी कि ईटा से बनाया गया है जो गुप्ता साम्राज्य के टाइम का है। इस टेम्पल में आपको इंडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। टेम्पल के अंदर आपको गौतम बुद्ध जी का मूर्ति देखने को मिलेगा जो कि गोल्ड से पेंट है और हीरे और गोल्ड भी चढ़ाया गया है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं ठीक से शूट नहीं कर पाया। टेम्पल के चारों तरफ आपको प्राचीन इंडियन आर्किटेक्चर का नक्काशी देखने को मिलेगा। यह टेम्पल ग्राउंड लेवल से लगभग 5 मीटर नीचे है क्योंकि ये कुछ सालों पहले खोद के निकाला गया था, बट टेम्पल का स्ट्रक्चर अभी भी सही है। ठीक मंदिर के पीछे आपको ये विशाल पेड़ देखने को मिलेगा जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी मेडिटेट करके ज्ञान का प्राप्ति किया था। यही है वो मेन पेड़। जी हाँ, आपने सही सुना, इसी के नीचे गौतम बुद्ध जी मेडिटेट किया था और ज्ञान को प्राप्ति किया था। यहाँ पे आप बैठ के मेडिटेट भी कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो बाकी सब भी मेडिटेट कर रहा है और बहुत जन बैठा हुआ भी है। यहाँ बैठ के आपको अंदर से एक सुकून महसूस होगा। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का लाइफ का एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा इसी पेड़ के नीचे बीता था और इसी पेड़ के नीचे मेडिटेट करके उन्होंने ज्ञान का प्राप्ति किया था। Thank you.
टेंपल के अंदर आपको गाइड भी मिल जाएगा जो गौतम बुद्ध जी इस जगह में कहाँ पे क्या क्या किया था वो सब आपको डिटेल्स में बताएगा। ये टेंपल बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर टेंपल है। साथ में गौतम बुद्ध जी की वजह से यह जगह एक बहुत ही खास और पवित्र बन जाता है। मन तो नहीं कर रहा था इस जगह को छोड़ के जाने का, बट जाना तो पड़ेगा ही। उम्मीद है दोबारा इस जगह में आने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट यानी कि लास्ट पार्ट में बोधगया से मेरा होम टाउन यानी कि सिलीगुड़ी में मैं कैसे पहुंचता हूं वो आपको मैं दिखाऊंगा। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you.